हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन बाय गीता शर्मा, जहां हर कोई बनेगा डिजाइनर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो हैवी साड़ी होती है। हैवी का मतलब बहुत ही हैवी साड़ी होती है, जो हम खरीद तो लेते हैं कि हमें बहुत हैवी साड़ी पहननी है, पर हमारे से पहनी नहीं जाती है। आज उसी साड़ी के बारे में बात करेंगे, रीयूज के बारे में बात करेंगे कि हम उन साड़ियों का क्या कर सकते हैं। पिछली ही वीडियो डाली है मैंने, साड़ी डिजाइन की है, एक बहुत ही हल्की लाइट वेट साड़ी मैंने डिजाइन की है, गोटा पट्टी वर्क की। साइड में आप इसकी पिक देखिए, ये साड़ी मैंने डिजाइन की है। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो देखे जाकर कितनी अच्छी ये साड़ी है, कितना कितना कपड़ा लगा, क्या क्या मटेरियल लगा। तो इस साड़ी को मैं सेल भी करने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं आपको पीछे एंड स्क्रीन पर दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी। तो जैसे कि हम साड़ियाँ खरीद लेते हैं हैवी साड़ी, जिस टाइम हमने ये साड़ी खरीदी थी कि हमें बहुत ही हैवी साड़ी पहननी है शादी में, उस टाइम मैं साड़ी डिजाइन नहीं करती थी। जिस टाइम ये खरीदी गई है तो सोचिए कितनी पुरानी होगी ये साड़ी। और आप इसका काम देख सकते हैं, ये देखिए पूरा हैवी वर्क हो रखा है इस साड़ी पर, इतना ज्यादा हैवी वर्क है इस पे। ये देखिए नीचे इस तरीके से फ्लावर है, फिर लाइनें हैं, फिर बीच बीच में फ्लावर है, पूरी साड़ी पे इस तरीके का काम है। मैंने आपको बहुत सारी साड़ियों के रीयूज की वीडियो बनाई है मैंने आपके लिए, हैवी हैवी साड़ी के भी बनाई है और बिल्कुल लाइट वेट साड़ी की भी रीयूज की वीडियो बनाई है। उन सभी का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप देख लेना। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे रीयूज मैं आपको अपने चैनल पर बताती रहती हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप अपनी साड़ियों को रीयूज करना चाहते हैं या फिर नए नए डिजाइन सीखना चाहते हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आएगी फ्रेंड्स, उसको क्लिक कर ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचेगी। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सोमवार और बुधवार को मैं वीडियो डालूँ। अगर मैं सोमवार को नहीं डालती तो मैं मंगलवार को जरूर डालती हूँ, और अगर बुध से वीरवार हो जाता है, एक दो दिन लेट हो जाता है, देखिए घर के काम में, और बच्चों को भी देखना है, काम भी देखना है, सेलिंग भी करनी है, बहुत कुछ करना है, तो इसलिए एक दो दिन लेट हो जाता है। जहां पर हम बल बनाते हैं हम, वो है बिल्कुल प्लेन कपड़ा यहाँ पर, और नीचे की तरफ ये देखिए है बिल्कुल हैवी, ठीक है, पूरा हैवी जाल का काम है। और ये वो वाली एम्ब्रॉयडरी है जो कि एक तार अगर आपका हट जाता है तो वो पूरी की पूरी लाइन निकल जाती है, जो चैन स्टिच वाला होता है एम्ब्रॉयडरी, वो वाली एम्ब्रॉयडरी है ये, ठीक है। ये है हमारा। अब हम इसमें से क्या कर सकते हैं, अगर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है कि भाई कैसे हम इसको मोतियों मोती होती है, इसमें इतना सारा काम है, अगर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी तो आपको मैं बहुत ही अच्छा आइडिया बताती हूँ। इसमें से निकालिए एक हैवी दुपट्टा, बिल्कुल हैवी दुपट्टा निकालिए आप इसमें से, यानी कि ये जो पल्लू है इस पूरे पल्लू का दुपट्टा बना लीजिए, ऐसे ही बना लीजिए इसको, मतलब निकालना नहीं है यहां से भी यहां से भी, और ये ऐसे ही रहने दीजिए पूरा। ये 2 मीटर है इसमें से, ठीक है, 2 मीटर अगर आपको लगता है कि कम है, 2 मीटर तो देखिए हमें सीधा ही डालना है। इसका जो हम दुपट्टा बनाएंगे वो हम बिल्कुल ओपन रखेंगे, ऐसे नहीं, या तो हम ऐसे ओपन डालेंगे या फिर हम ऐसे जैसे हम हाथों पर डालते हैं वैसे ओपन डालेंगे, ठीक है। तो 2 मीटर, और नीचे हम टसल्स, मैंने आपको इतने सारे तरीके सिखाए हैं टसल्स बनाने के, आप टसल्स बनाइए तो ये थोड़ा और 4 4 5 5 इंच लॉन्ग हो जाएगा, तो 2 से 2.25 इंच का, 2 से 2.25 मीटर का जो दुपट्टा है वो बिल्कुल ओके है। हैवी दुपट्टा बनाइए और बिल्कुल प्लेन आउटफिट बनाइए। साइड में आप पिक देखिए कितना ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ मैंने ऐसे सोचा है, शायद मैं भी ऐसे करूं, क्योंकि इसका जो है लुक पहनने के बाद बहुत ही अच्छा आ रहा है। पर फ्रेंड्स, पहनी नहीं जाती ये साड़ियां, हाँ किसी किसी शादी में पहन लेते हैं, पर बट वो इतनी ज्यादा हैवी हो जाती है, जिस टाइम आकर कपड़े चेंज करते हैं तो ऐसा लगता है हम लोगों ने क्या चेंज किया है, मतलब हम कितने ज्यादा थक गए हैं ऐसी साड़ियां पहनकर, जो लाइट वेट होती है उनमें इतना ज्यादा नहीं लगता, पर ऐसी साड़ियां पहनकर हम लोग बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं। तो हैवी साड़ियों के लिए मुझे काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे, ठीक है। और दूसरा तरीका है, अगर आप ऐसी साड़ी में से लॉन्ग गाउन बनाना चाहते हैं
तो साइड में आप पिक देखिए, ग्रीन कलर के गाउन की, ये काफी हैवी साड़ी थी, बिल्कुल भी नहीं पहनी जाती थी। तो मैंने इसमें से ऐसा गाउन बनाया है, और काफी घेर भी है, बनाने में भी बहुत ही इजी है, और ये नीचे एम्ब्रॉयडरी है, इसीलिए ऐसा वाला आउटफिट मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि पूरी एम्ब्रॉयडरी भी हमारी कवर हो जाती है, और कहीं से ज्यादा मुश्किल भी नहीं होती इसे बनाने में। तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, बीच में प्लेन आ जाएगा, और ऊपर पूरा फुल एम्ब्रॉयडरी का काम आ जाएगा। तो आप ऐसा बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा ये गाउन लगा है, मैंने बनाया है। इसकी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो मैंने डाली है, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख लेना कि कैसे, बहुत ही ईजी है इसे बनाना, मुश्किल नहीं है। तो आप हैवी जो कोटी है इसमें से बनाएं, बीच में प्लेन आ जाएगा, नीचे चुनटे देकर ये आ जाएगा, ठीक है, ये बना दिया हमने। दो तरीके हो गए, एक तरीका है कि आप इसमें से पूरे इसमें से एम्ब्रॉयडरी वाली कुर्ती बनाइए, पूरी हैवी। अब आप कहेंगे कि इतनी हैवी अच्छी नहीं लगेगी, बहुत सुंदर लगती है। आप कौन सा इसको रोज पहनने वाले हैं, रोज नहीं पहनने वाले ना, आप अगर इसको कितना भी हल्का आउटफिट बनाएंगे तब भी इसको रोज नहीं पहन सकते हैं, आप किसी शादी पार्टी में या हल्के फुल्के फंक्शन में पहनेंगे। तो क्या करना है आपको, पूरी कुर्ती एक बना लीजिए आप इसमें से, फुल एम्ब्रॉयडरी में। साइड में आप पिक देखिए, पूरी एम्ब्रॉयडरी की कुर्ती है, कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है, और बिल्कुल पार्टी वेयर लुक हो गया है। और जिनके न्यू मैरिड होती है उनके ऊपर तो ऐसी कुर्तियां बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हैं, बहुत ही प्यारी लगती हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। वैसे एक फोर्थ स्टाइल भी है कि आप इसमें से पूरी पैंट बना दीजिए, फुल एम्ब्रॉयडरी की पैंट बना दीजिए, और ऊपर जो कुर्ती आप बनाएंगे उसे अम्ब्रेला बना लीजिए, या सिंपल बना लीजिए, बिल्कुल मतलब प्लेन बना लीजिए। पर क्या है ना कि ये इतना हैवी है, वैसे ऐसी मैंने पैंटे देखी है कि ऐसी पैंटे बनी हुई है और प्लेन कुर्ती वगैरह बनी है, और बहुत ही अच्छी लगती है। बस मुझे ये लगता है कि ये जो बनेगा इतना एम्ब्रॉयडरी का, तो शायद उठने बैठने में कंफर्टेबल ना हो, तो मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा आइडिया आपको दूँ कि कंफर्टेबल भी हो आपके लिए। तो आप इसमें से या फिर हैवी प्लाजो बना सकते हैं, पूरा एम्ब्रॉयडरी का प्लेन कुर्ती बना लीजिए, दुपट्टा भी इसमें से निकल जाएगा, अगर पैंट निकाली है तो दुपट्टा भी इजीली इसमें से निकल जाएगा। दुपट्टा तो मैं आपको बताऊं ना, ये देखिए कितना एम्ब्रॉयडरी है, बिल्कुल बस सीधा हमें डालना ही है। तो दुपट्टा तो हम साइड से भी निकाल सकते हैं इजीली, जहां से प्लेन हिस्सा आया हुआ है प्लेन को कट कर दीजिए, पूरा एम्ब्रॉयडरी वाला हिस्सा ये बिल्कुल सीधा दुपट्टा एक बन जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, इजी है ये, है ठीक है। ऐसा भी आप बना सकते हैं कि इसमें से बनाए फुल एम्ब्रॉयडरी, और नीचे जो शरारा है बिल्कुल प्लेन बना दीजिए, ऊपर का दुपट्टा जो है बिल्कुल प्लेन बना दीजिए, बहुत ही सुंदर पार्टी वेयर आउटफिट हो जाएगा, और इन साड़ियों का यूज भी हो जाएगा, क्योंकि ये साड़ियां घर पर ऐसे ही पड़ी हैं, सिर्फ इन साड़ियों को ही हम नहीं पहन पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही वजन इन साड़ियों में है, तो बहुत ही वजन है, कम से कम 3 किलो की होगी ये साड़ी, 3 से 4 किलो की होगी, तो ये साड़ी बहुत ही इसमें वजन है, इसको एक ही बार पहना है, सिर्फ 10-12 साल पुरानी ये साड़ी है, ठीक है। और बैक टू बैक आने वाली है बहुत सुंदर सुंदर साड़ियों के डिजाइन, जो कि मैंने डिजाइन कर ली है, एक एक कर कर वीडियोस आने वाली हैं, देखिए मैंने कितनी सुंदर सुंदर साड़ियां डिजाइन की है। अगर आप सारी ही साड़ियां सभी डिजाइन देखना चाहते हैं, साड़ियों के नहीं, मैं एक लहंगा भी डिजाइन कर रही हूँ, अभी लहंगे में थोड़ा टाइम लगेगा, बट लेकिन जल्दी ही मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल्दी ही मैं आपको लहंगा डिजाइन कर कर भी दिखाऊं। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए अगर आप नए नए अच्छे अच्छे डिजाइन देखना चाहते हैं और सीखना भी चाहते हैं। देखिए गर्मी बहुत ही ज्यादा हो रही है, पसीना भी टपक रहा है, और पंखा भी बंद है, क्योंकि वॉइस अच्छी आनी चाहिए, इसी वजह से पंखा बंद किया जाता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। ये जो टॉप मैंने पहना है इसके लिए मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई है, और इस टॉप को सिखा नहीं पा रही हूँ, मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है, बट लेकिन मैं सिखाऊंगी, ये टॉप भी सिखाऊंगी। अभी मैंने रिसेंट एक साड़ी में से टॉप बनाया है, ये भी मैंने साड़ी में से ही बनाया था, पर इसको सिखाने में मुझे थोड़ा, क्योंकि वक्त ही नहीं मिल रहा है, कभी कुछ किसी चीज आप रिक्वेस्ट करते हैं, कभी किसी चीज की वीडियो बनानी पड़ती है, और कभी किसी चीज की, तो इसकी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो नहीं बन पा रही है, बट मैं बनाऊंगी जरूर। सबको ये टॉप बहुत ही पसंद था, इसमें स्लीव्स नहीं थी, मैंने लगा दी है इसमें स्लीव्स, देखिए काफी अच्छा लग रहा है वो स्लीव्स लगा के, नहीं तो बिना स्लीव्स के मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था, मैं पहन नहीं पा रही थी। और अभी मैंने रिसेंट ही साड़ी में से, प्रिंट की साड़ी में से
ये वाला टॉप बनाया है, साइड में आप पिक देखें, बहुत ही प्यारा है। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर। बाय फ्रेंड्स, बाय।